हाय नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मेघा है। आज मेरी छुट्टी है काम से, तो मैं फ्री हूँ, पर उसके बावजूद मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ एंड मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। मेरा प्लान था कि मैं जाऊँ और बीच पे जाऊँ, धूप में बैठूँ, जो मैं करती हूँ मोस्टली जब भी मेरा ऑफ होता है। बट मैंने आराम किया काफ़ी, मैंने वीडियोज़ एडिट करी और प्रोकास्टिनेशन किया नेक्स्ट लेवल पे। बट अब मैं रेडी हूँ, नहा के आ चुकी हूँ एंड आई एम रेडी टू मेक सम वेरी क्विक ब्रेकफास्ट फॉर मी बिकॉज आई एम वेरी हंग्री। और अभी यहाँ पे 1:30 बज रहा है, तो ये ऑलरेडी खाने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए तो टाइम नहीं है, तो ये लंच ब्रेकफास्ट ब्रंच भी नहीं है, बट जो भी है ये। तो बहुत थिंकिंग के बाद आई डिसाइडेड टू मेक पास्ता, ईजिएस्ट ऑप्शन एंड इट्स हेल्दी ऑल्सो बिकॉज इसकी पैकेट में लिखा है कि दिस इज मल्टी वेजिटालिस विच मीन्स समथिंग रिलेटेड टू वेजिटेबल्स एंड आई डोंट नो, बट ठीक है, यही एक अच्छा ऑप्शन है मेरे पास एंड ईजी भी बन जाएगा एंड देन जल्दी भी बन जाएगा। ये मुझे यहाँ पे पैकेट पड़ा था 1.90 यूरोस का, विच इज लाइक 160 रुपीज का छोटा सा पैकेट, बट ठीक है हम बनाते हैं। तो ये स्पाइसी सा पास्ता बनाया है मैंने। मेरा पास्ता हो गया है रेडी और ये है मेरा बालकनी का व्यू, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के पास्ता खाऊंगी इस बालकनी के व्यू के साथ। और जो सामने है वो वहाँ पे बीच है, तो बीच बहुत पास है मेरे घर से एंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ब्रेकफास्ट या लंच बाहर बैठ के खाऊँ। जो एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है अकेले रहने की, वो ये है कि सारा काम खुद करना पड़ता है, बर्तन खुद धो, खाना बनाओ, एंड मुझे इतना पसंद है नहीं काम करना वैसे। हेलो, तो बर्तन वगैरह धोकर मैं अपनी सोसाइटी के नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि अब मैं जा रही हूँ बीच तक। मेरा मन था बीच पे जाकर बुक पढ़ने का, थोड़ा आराम करने का, यू नो रेस्ट करने का, बट मैं यू नो आज नहीं जा पाई। वो हम कल जाएंगे, नो इश्यूज़। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसे वाले बीच पे जो मुझे बहुत पसंद है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको वो दिखाने के लिए। तो जिस बीच पे हम जा रहे हैं वो थोड़ा सा दूर है यहाँ से, हालांकि जो नियरेस्ट बीच है वो तो बिल्कुल ही डाउन द रोड है, नॉट मोर देन आई गेस 250 मीटर्स, बहुत पास में। लेकिन जिस बीच पर मैं आज जाना चाह रही हूँ वो थोड़ा सा दूर है, तो हमें उसके लिए बस लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम बस लेते हैं और फिर वहाँ पहुँचते हैं। एंड मैं बीच पहुँच चुकी हूँ और ये वाला बीच बहुत अच्छा है। ये जो पार्ट है जो आपको दिख रहा है वाइट वाला, वो एक पोर्ट है जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी, अभी यहाँ से क्लियर नहीं है। आई लव टू स्पेंड माई आफ्टरनून ऑन बीचेस क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बीच पे आराम से रेस्ट करना। एंड इस वाले बीच पे इनफैक्ट बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ लोग थोड़े कम होते हैं, लेकिन यहाँ का जो वाइब है वो बहुत अच्छी है, तो मुझे आपको वही दिखाना था। आई लव सच सी व्यू रेस्टोरेंट्स, बड़ा अच्छा लगता है। तो दिस इज़ दैट पार्ट ऑफ द बीच जिसको दिखाने के लिए आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे ये बहुत सुंदर लगता है। ये जो रॉकी स्ट्रक्चर है जो पूरा ट्रेल के दोनों तरफ है, यहाँ पे लोग आके बैठते हैं एंड पीपल दे डू फिशिंग हेयर। एंड द वंडरफुल थिंग इज़ दैट कि जब आप एकदम कॉर्नर में जाते हो ना, लाइक ऐसे वाले एरियाज में, तो इसके आगे इज जस्ट द वाटर, जस्ट द सी, नथिंग एल्स। बिकॉज जहाँ मैं रहती हूँ वो स्पेन का एंड पार्ट है एंड उसके आगे इज जस्ट द मेडिटेरियन सी, नथिंग एल्स। एंड सी व्हाट आई फाउंड हियर, इट्स अ लेसन एंड इट सेज दैट टू बी योर सेल्फ इज ऑल दैट यू कैन डू, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग दैट समबडी हैज़ रिटन। एंड ये जो वाटर स्पोर्ट हो रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे बहुत कॉमन है, यहाँ पे लोग हर दिन वाटर स्पोर्ट्स करते हैं। सो ये यहाँ पे यू कैन सी द हिल्स सामने एंड जो पूरा जो सिटी है ना, जैसे फेनकेरोला, इसके आगे भी 2-3 सिटीज़ हैं, तो ये जो जितना भी एरिया है इट्स ऑल एट द कोस्ट लाइन ऑफ मेडिटेरियन सी। हर दिन की तरह मैं आज भी कुछ भूल गई और आज मैं भूली हूँ अपनी वॉच और अपने सनग्लासेस जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी थे, ऐसा मुझे अब फील हो रहा है। बट आई एम लाइकिंग द व्यू
and the vibe. So I'm happy. So as you can see, people are doing fishing here. एंड लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं दे टुगेदर डू फिशिंग. यहाँ पे कॉमन एक्टिविटी है फिशिंग करना भी. एंड जस्ट लुक एट दैट सनलाइट, वाओ. अब मैं पोर्ट साइड आ गई हूँ जहाँ पर ये एक फन पार्क टाइप्स है बच्चों के लिए. तो वॉक करते करते मैं आ गई हूँ पोर्ट साइड जहाँ पे सारी यॉट शिप्स और बोट्स खड़ी हैं. तो देखते हैं. This area has its own vibe. यहाँ पर लाइव म्यूज़िक चलता रहता है and restaurants हैं जो बहुत tasty seafood serve करते हैं. And then here it is. I don't know how many yachts या how many boats are here. I think 100-200, God knows. But it looks so good. And look at those fishes. तो आई तो थी मैं बस से, पर अब मैं जा रही हूँ वॉक करके. मेरे घर से इट्स जस्ट लाइक 25 मिनट्स का रास्ता, नॉट मोर देन दैट. एंड अच्छा लगता है शाम को वॉक करना. इवनिंग वॉक हो रही है, सनसेट होने वाला है, सो व्हाई नॉट. ये है मेरे घर के पास वाला बीच का एरिया. अभी तो ये थोड़ा खाली सा लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली शाम हो चुकी है, बट मैं आपको कल दिखाऊंगी कि आफ्टरनून दोपहर के वक्त यहाँ पे कितनी भीड़ रहती है. तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स वॉक करने के बाद मैं बिल्कुल अपने घर के पास आ चुकी हूँ. एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे ना कैब्स लोग बहुत कम यूज़ करते हैं बिकॉज कैब्स थोड़े एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं. हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे फ्री है, लेकिन स्टिल लोग वॉक करना ज़्यादा पसंद करते हैं. बिकॉज एक तो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमेशा ग्रीन शो होता है, विच इज़ लाइक वेरी गुड. एंड यहाँ पे जो एयर है वो इतनी फ्रेश है बिकॉज बीच साइड है एंड यहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं है इतना. तो वॉक करना अच्छा लगता है. लाइक मैं भी 1-1.5 घंटा आराम से वॉक कर लेती हूँ एंड स्टिल उसके बाद भी आई फील सो फ्रेश एंड नॉट एट ऑल टायर्ड. सो विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग विच आई लाइक अबाउट हेयर. आई एम हैप्पी दैट यहाँ आके मैंने वॉकिंग का हैबिट डाला है, जो मैं वापस इंडिया जाकर भी कंटिन्यू रखूँगी बिकॉज वॉकिंग इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. तो ये था मेरा आज का ज्ञान जो मैंने खुद दिया है. सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कि आपको स्पेन के बारे में या यहाँ के बारे में या कुछ भी इन जनरल आप मेरे वीडियोज़ में और क्या जानना चाहते हैं. आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड दोज कमेंट्स. And thank you so much for watching it. Take care.